हेलो फ्रेंड्स, आपका बे टेक्निकल में स्वागत है और मैं आदरकुल एक नए वीडियो रहा हूँ जिसे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे इस सेशन फॉर मैक्स प्रो M1 में वीडियो को स्टेबलाइज कर सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि हम कैसे स्टेबलाइजेशन फीचर को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का लॉन्च के समय कहना था कि आपको इसमें EIS का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। मगर मैंने उनसे जब ट्वीट करके पूछा तो मुझे पहले यही रिप्लाई मिला था कि आपको इसमें EIS का सपोर्ट देखने को मिलेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं था। मैंने जब उनसे दोबारा पूछा तो उन्होंने साफ कह दिया कि आपको इसमें किसी भी तरह का EIS का फीचर नहीं मिलने वाला है। और अभी भी कई सारे बड़े यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि आपको इसमें EIS मिलेगा, मगर आपको कोई EIS नहीं मिलेगा। ASUS ऑफिशियल ने यहाँ पर खुद कंफर्म करा है मुझ पे ट्विटर पे, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे वीडियोज को स्टेबलाइज कर सकते हैं ASUS Zenfone Max M1 में। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको सारी स्टेप्स बताऊंगा और इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा इसका एक सैंपल स्टेबलाइजेशन का कि आखिर इस स्टेबलाइजेशन पे वीडियो जो रिकॉर्ड करी गई है उसका परफॉर्मेंस कैसा है उस वीडियो का। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा डिवाइस। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आपको अपना कैमरा ऐप ओपन करना है। जब आप अपना कैमरा ऐप ओपन कर लेंगे तो आपको वीडियो मोड में स्विच करना है और एक अपनी कोई सी भी वीडियो रिकॉर्ड कर लेनी है। जब आप वीडियो को रिकॉर्ड कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड करी थी अपने डिवाइस से, तो आपको यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा कि आपको डायरेक्टली गूगल फोटोज पे ले जाते हो। जैसे कि आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं जो कि है रोटेट एंड स्टेबलाइज का, तो हम यहाँ पर इसको स्टेबलाइज पे क्लिक करेंगे और ये स्टेबलाइजिंग शुरू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत तेजी से हो रहा है क्योंकि बहुत ही छोटी सी क्लिप थी, तो यहाँ पर स्टेबलाइज का भी यहाँ पर लिखा गया। अब आपको यहाँ पर जो सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है और आपकी जो ये वीडियो है सेव हो जाएगी बहुत ही आसानी से। तो ये एक छोटा सा प्रोसीजर था कि आप इसमें वीडियोस को कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं। और ये जो फीचर है लगभग बहुत सारे डिवाइसेस में अवेलेबल है अगर आपने गूगल फोटोज को सेव कर मतलब अपडेट कर रखा है। अब चलिए मैं आपको कुछ इसके फुटेज भी या फिर सैंपल वीडियोस दिखाऊंगा। और एक और बात मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि जैसे कि जो आपकी नॉर्मल वीडियो है जैसे उसका कुछ साइज होता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ जो पहली वाली वीडियो है ये लगभग थी 8.7 MB की जो कि फुल HD पे रिकॉर्डेड थी। और जो स्टेबलाइज वाली है उसको देखते हैं तो ये भी 8.6 MB की है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस रहता है इसके साइज में। तो अगर आप कोई बड़ी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आपको उसमें साइज का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो अब आपको सीधे आपको इसके सैंपल्स देखने को मिलेंगे।